ट्रेन में पोटेशियम डाइक्रोमेट फिल है, यदि किसी वजह से नहीं होता तो पहले क्या करते हैं हम इसको वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद साफ करते हैं, उसके बाद इसे फिल करते हैं। फिल करने के लिए सबसे पहले इसकी नोब को बंद करते हैं, नोब बंद करने से क्या होगा कि लीकेज नहीं होगा। इसके बाद इसको ऐसे हैंडल कर सकते हैं अप एंड डाउन, स्प्रिंग लगी है, फनल को इससे निकाल कर, यदि कभी इसको ऑफ करना है तो राइट हैंड थंब से इस स्प्रिंग को प्रेस करोगे और लेफ्ट से इसको निकाल लो। ये स्प्रिंग तेजी से नहीं छोड़ना, नहीं ये ब्यूरेट टूट जाएगा, तो आराम से इसको पुश करें और यहाँ लगाए और इसको छोड़ दें। ऊपर नीचे अप एंड डाउन करना है तो हल्का सा स्प्रिंग किया अप एंड डाउन हो सकता है, मूव कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इसमें ये क्लॉक वाइज करोगे तो टाइट हो जाएगी और एंटी क्लॉक वाइज घुमाओगे तो लूज हो जाएगी, ठीक है। अब इसको बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहीं करना चालू करेंगे, इसको नीचे ले आओ, करें बंद कर चुका हूँ। फिल करने के लिए फनल लेंगे, फनल को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, फनल को ऐसे पकड़ेंगे और इसे जीरो से थोड़ा सा ऊपर तक भरेंगे, आराम से जीरो से ऊपर तक। फनल को वापस कहाँ रख देंगे, फनल के प्लेस पे, जो केमिकल यूज हो गया उसको तुरंत। अब क्या करना है, इसको जीरो पे सेट करने के लिए ऊपर उठाएंगे और ये ब्यूरेट अपना यहाँ लगाएंगे जो रीलिंग बॉटल और स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है इसमें गिरेगा। और कहाँ तक करना है, इसे जीरो तक लाना है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, चेक ऐसे नहीं होगा, चेक करना पड़ेगा आंखों के पैरेलल लाके, कहाँ पे आइस के पैरेलल लाओगे तो आइस के पैरेलल लाके देखो तो ये कहाँ पे जीरो, थोड़ा ऊपर है, अभी कर लेते हैं इसे, ठीक है, तो मुझे पता चल गया। तो उस तरीके से आप इसको जीरो पे सेट कर दोगे। तो ये हो गया फिल द ब्यूरेट विद N/20 पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। स्टेप नंबर वन क्लियर, स्टेप नंबर टू ट्रांसफर 10 ml अननोन सैंपल सॉल्यूशन इन कॉनिकल फ्लास्क विद द हेल्प ऑफ पिपेट। देखो हम, मुझे मालूम है ये मेरे पास सैंपल सॉल्यूशन है, ध्यान से देखेंगे, सैंपल लेना है, इस सैंपल में ब्यूरेट ये डालेंगे पिपेट और इसको क्या करना चालू करेंगे, एब्जॉर्ब करना चालू करेंगे, धीरे धीरे आ रहा है ऊपर, सक्शन चल रहा है, और कहाँ लाकर रोक दिया, मैंने से जीरो पर लाकर रोक दिया, ठीक है। और इसको ट्रांसफर करना है किसके अंदर, इसको दबा दिया वॉल के थ्रू कर दिया, ताकि वॉल क्रॉस कर, ये स्टेप नंबर टू, ट्रांसफर 10 ml अननोन सैंपल सॉल्यूशन इन कॉनिकल फ्लास्क विद द हेल्प ऑफ पिपेट, स्टेप नंबर टू क्लियर। स्टेप नंबर थर्ड, ऐड हाफ टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट H2SO4 इन कॉनिकल फ्लास्क टू मेक द सॉल्यूशन एसिडिक। अब देखो, क्योंकि एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट चाहिए ऑक्सीडेशन के लिए, तो अब इसके अंदर तो डाल नहीं सकते क्योंकि नहीं रिएक्शन होगी, ऑक्सीजन हो जाएगी, तो हम इसके अंदर डाल देते हैं इसे। तो हाफ टेस्ट ट्यूब का मतलब अब अप्रोक्सीमेट हाफ के करीब आप लेंगे। अब हर बार कैसे याद रहे कि इतनी लेनी है आपको, तो कोई मार्क लगा दें हाथ से, मैंने अपनी फिंगर टिप पे लगा लिया तो लगभग हर बार मेरे को इतना ही लगता है, हर बार इतना लगता है, या मार्कर से इसके ऊपर निशान लगाते हैं, या हर बार इतना लगता है और इसको इसके अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो एड हाफ टेस्ट ट्यूब H2SO4 इन कॉनिकल फ्लास्क टू मेक द सॉल्यूशन एसिडिक। अब ये एसिडिक हो गया, नेक्स्ट स्टेप बेटा इंटीग्रेट।
नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ पोटेशियम फेरिसाइनाइड इन द मीटर, पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ पोटेशियम फेरिसाइनाइड इंडिकेटर ऑन व्हाइट ग्लेज टाइल, ऑन व्हाइट ग्लेज टाइल। यहां पे क्या होगा कि आप फिल्टर पेपर ले लेंगे और फिल्टर पेपर से इस वाली व्हाइट ग्लेज टाइल को क्या कर लेंगे, साफ कर लेंगे। और ये आपके पास पोटेशियम फेरिसाइनाइड इंडिकेटर है, इसको इस तरीके से करके ड्रॉप डालेंगे, ऐसे पकड़ेंगे और पुश करेंगे हल्का सा, और आराम से पुश करेंगे तो ड्रॉप बनेंगे आपके, ठीक है। और इसकी 7-8 ड्रॉप लगा देंगे, गुड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ पोटेशियम फेरिसाइनाइड इंडिकेटर ऑन व्हाइट ग्लेज टाइल। बहुत ज्यादा लगेंगे नहीं, सूख जाए, पहला काम हो गया, क्योंकि मैं इसे बाहर यूज कर रहा हूँ, कैसा इंडिकेटर एक्स्ट्रा। यदि मैं इसको अभी अंदर डाल दूं तो ये कैसा हो जाएगा, पर्शियन ब्लू, ग्रीनिश ब्लू, क्योंकि क्या बन जाएगा, फेरी फेरोसाइनाइड, फेरस फेरी साइनाइड, जिसका कलर ब्लूइश ग्रीन, पर्शियन ब्लूइश ग्रीन होगा, तो वो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना मेरे को, इसलिए मैं इसको एक्सटर्नल यूज कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, एड 3 ml ऑफ, एड 3 ml ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, एड 3 ml ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन इन कोनिकल फ्लास्क, इन कोनिकल फ्लास्क, एंड टेक 1 ड्रॉप ऑफ, टेक 1 ड्रॉप ऑफ टाइट्रेटिंग मिक्सचर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, टाइट्रेटिंग मिक्सचर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, ग्लास रॉड विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, एंड टच इट विद, एंड टच इट विद इंडिकेटर स्टॉप, टच इट विद इंडिकेटर स्टॉप, इंडिकेटर स्टॉप। नेक्स्ट, इफ इंडिकेटर ड्रॉप्स टर्न्स इनटू, इफ इंडिकेटर ड्रॉप टर्न्स इनटू ग्रीनिश ब्लू, इफ इंडिकेटर ड्रॉप टर्न्स इनटू ग्रीनिश ब्लू, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ फेरसाइन, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ फेरसाइन, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, अभी भी इस सॉल्यूशन के अंदर फेरस है। नेक्स्ट स्टेप, इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ फेरसाइन, नेक्स्ट स्टेप, फेरसाइन, फेरस अभी भी है, Fe2। नेक्स्ट स्टेप, नाउ अगेन एड 3 ml सॉल्यूशन, पहले देखो पर 3 ml करके दिखाता हूं आपको, पहले देखो 3 ml के लिमिट्स में डाल दिया और शेक किया इसको, यहाँ कलर चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब रिएक्शन हो रही है, यानी कि कुछ फेरस किसमें कन्वर्ट हो गए, फेरिक में। और इसको अब मैं चेक करूंगा क्या सारा फेरस फेरिक में कन्वर्ट हो गया या नहीं, एंड पॉइंट आया या नहीं, तो ग्लास रॉड लूंगा, ग्लास रॉड पहले साफ होनी चाहिए, इस ग्लास रॉड को मैं डिप करूंगा इसके अंदर, तो एक ड्रॉप लीज की और पहली ड्रॉप से केवल टच करो, देखो कैसा कलर हो गया, ये ग्रीनिश ब्लू, इट टर्न्स इनटू ग्रीनिश ब्लू, इट मींस अभी भी इसके अंदर फेरस है, फेरस है तो इसका मतलब मुझे अभी और टाइट्रेशन करना है, तो इसको वॉश कर दो बेटा, आराम से टैप खोलो, आराम से बोलना, अच्छे से वॉश करो, हाथ से आगे हेड से वॉश करो, बस इसमें यह प्रिकॉशन रखनी है कि वॉश अच्छा होना चाहिए, बस बंद करो। यदि आपने गलती से इसको सही से वॉश नहीं किया और इसके अंदर डाल दिया तो क्या होगा, ये ग्रीनिश ब्लू है, तो वॉश कर लिया, ये ध्यान रखना है। नाउ अगेन नेक्स्ट स्टेप, नाउ अगेन एड 3 ml पोटेशियम डाइक्रोमेट,
पोटेशियम डाइक्लोरेट, 3 ml पोटेशियम डाइक्लोरेट. अगेन चेक द ड्रॉप, अगेन चेक द ड्रॉप. देखो फिर से चेक करेंगे, टिप किया और दूसरी वाली ड्रॉप से अभी भी परसेंट मिलू, तो इसका मतलब अभी भी है. टिल द, अगेन चेक द ड्रॉप. टिल द नो चेंज इन इंडिकेटर्स कलर, टिल द नो चेंज इन इंडिकेटर्स कलर. ठीक है, इसका मतलब तब तक मिलाकर रहूंगा इसमें जब तक कलर चेंज हो ना. अब मुझे मालूम है मैंने 3 बार मिला चुका, 9 स्टेप. इसके बाद फिर से 3 ml डाल दिया. वेल, तो मैं 4 बार आया, सपोज 3 3 के 4 स्लॉट आ गए, 12 ml. अब इसको वॉश कर दो बेटा, नहीं तो थोड़ा ही वॉश कर दो. चेंज नहीं हुआ, देखो ग्रीनिश ब्लू नहीं हुआ, ऑरेंज में ग्रीनिश ब्लू नहीं हुआ, ग्रीनिश ब्लू नहीं हुआ. इसका मतलब मेरा रिएक्शन का आंसर आ चुका है. 9 तक तो नहीं आया था, पर 9 से 12 के बीच में आ गया, तो मुझे अब एक आइडिया पता चल गया. या तो 9.1 हो सकता है, 9.2 हो सकता है, 9. पर मेरे पास पहली रीडिंग रफ है, पहली रीडिंग मेरे को नहीं मालूम कितना है एग्जैक्ट, तो पहली रीडिंग क्या कहलाएगी, रफ. अब नेक्स्ट रीडिंग मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, तो पहली रीडिंग तो मेरी यहाँ पे एंड हो गई. अब मेरी जो दूसरी रीडिंग स्टार्ट होगी यहाँ से होगी, इसको फिर मैं डिस्कार्ड करूँगा.